हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि आप थंबनेल में जान ही गए होंगे कि आपका जो यूपी आर्मिनल में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट लैब टेक्नीशियन वगैरह और उसके बाद केमिस्ट वगैरह की जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है, तो उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए चलते हैं यूपी आर्मिनल के साइट पर और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें अपडेट यहाँ पर आई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल साइट पर है और नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस और नीचे चलते हैं तो फर्स्ट नंबर की जो नोटिस है यहाँ पे आप देखिए, कोरिगेंडम नोटिस इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाउ टू अप्लाई डेट एक्सटेंडेड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर UUPRBUSA2021। अब यह जो देखिए नोटिस है ना, फर्स्ट नंबर वाली, ये सेम टू सेम सिक्स नंबर वाली जो नोटिस है वही है। इसका मतलब जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट लैब टेक्नीशियन केमिस्ट वगैरह के लिए वैकेंसी आई थी वही वैकेंसी से रिलेटेड है, नोटिस आई है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है कि एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज कर दिया गया है और उसके साथ साथ आपका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है और कितना डेट कर दिया गया, चलिए उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे इसके साइट पर और यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं, मतलब कि व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड है तो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको ओपन होने देते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या U44UPRBUSA2021 का शुद्धि पत्र है। इसका मतलब कि इसमें कुछ सुधार किया गया है। अब क्या सुधार किया गया, देखिए वर्तमान में यहाँ पर कहा गया है कि अनिवार्य शैक्षिक जो अर्हताएँ हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट कोड 5 के लिए कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद कह रहा है कि केमिस्ट ग्रेड सेकेंड पोस्ट कोड 6 MSc डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ये मतलब कि आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट की गई है, मतलब कि लॉ इन यूपी आर फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई द गवर्नर इन एट लेटेस्ट सेकेंड डिविजन लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड 7 के लिए। तो वर्तमान में ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट की गई हैं और आगे बता दें आपको कि जैसे देखिए संशोधित किया गया अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ। तो यहाँ पे जो संशोधित है इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए क्या है, पोस्ट कोड 5, मतलब पहले ये रिक्वायरमेंट था लेकिन अब जो है कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। पहले ये दिख रहे हैं स्तंभ एक में वर्तमान में है, मतलब पहले जो नोटिस में था यही था लेकिन अब संशोधित कर दिया गया है स्तंभ 2 में कि जो हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट है इसके लिए क्या आप चाहिए, इसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई एन एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, डिग्री फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब कि जो डिस्टेंस लर्निंग से आप अगर डिग्री लिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा केमिस्ट सेकेंड ग्रेड सेकेंड, देखिए स्तंभ फर्स्ट में जो ऊपर देख सकते हैं स्तंभ फर्स्ट में वर्तमान में जो पुरानी नोटिस थी उसमें ये सब रिक्वायरमेंट था लेकिन अब जो है कि केमिस्ट ग्रेड सेकेंड के लिए पोस्ट कोड 6 के लिए, देखिए इसमें से आपका यहाँ जो ऊपर वाली 3-4 लाइनें वो तो सेम ही है लेकिन नोट में देखिए कि मास्टर डिग्री फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, मतलब कुल मिला जुला के मास्टर डिग्री है और डिस्टेंस लर्निंग से तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसी तरह लैब असिस्टेंट में भी चेंजेस हुआ है, यहाँ पर कहा गया है कि इंटरमीडिएट या डिग्री फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से हैं इंटरमीडिएट वगैरह पास हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क वगैरह यहाँ पे दिया गया है, ठीक कि आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इत्यादि के द्वारा पेमेंट गेटवे ऑफ SBMOPS के माध्यम से किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें वही है, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि, पूर्व तिथि जो कि 28/1/2022 थी लेकिन अब जो है कि संशोधित करके जो तिथि निकाली गई है वो 21/2/2022, मतलब 21/2/2022 से आपका फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, लोग कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट लोग कि सर जो फॉर्म है फिलअप नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसी वजह से डेट को एक्सटेंडेड भी कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है 27/2/2022 कर दी गई है, और मतलब 27/2/2022 जो पुरानी वाली तिथि लेकिन अब जो है कि 21/3/2022 कर दिया गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी
और आप इस चैनल पर अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और काफी सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जितने भी चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पर हमने लाइव असिस्टेंट्स के बारे में बताया, उसके साथ साथ हमने आपको यहाँ पर देखिए केमिस्ट के लिए असिस्टेंट, अकाउंटेंट के लिए लैब असिस्टेंट के लिए इतना ही चेंजेस है। अदरवाइज जूनियर इंजीनियर के लिए जो पहले क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया अभी भी रहेगा। और जो चेंजेस है बस इसी ए बी यहाँ पे देखिए दिया गया ना, पोस्ट कोड 5, पोस्ट कोड 6 और पोस्ट कोड 7 के लिए चेंजेस है। और जितने भी पोस्ट कोड हैं मतलब JEE वगैरह के लिए कोई चेंजेस नहीं है, जो एलिजिबिलिटी पहले थी वही अभी भी है। हाँ, डेट एक्सटेंडेड सभी के लिए हो गया है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, या फिर लैब टेक्नीशियन हो, या फिर केमिस्ट वगैरह हो, सभी के लिए डेट एक्सटेंडेड कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।